मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर की, आपने बढ़िया स्केच वीडियो बनाई है और अपने वीडियो डालेंगे अपने मेन चैनल के ऊपर, फिर सुबह सुबह मेरे पास मैसेजेस आते हैं लिंक्स के कि ये देखो भाई, ये देखो आमिर सिद्दीकी ने क्या निकाला है, लाइक डिसलाइक से पता चल गया होगा औकात, पर सूल लूंगा पीछे से और ऐसे घुमा दूंगा, आएगी नई वीडियो। उस वीडियो खोल के देखो, वैसे खोलना मत, अगर खोल ली हो बता देता हूँ, उस वीडियो कंटेंट मैं हूँ। और फिर साले ने फिर एलिगेशन लगा दिया मेरे ऊपर बेवकूफ से, इस बार ना ऐसे। वीडियो भाई रिमूव हो गई, यूट्यूब से सुबह हुआ बात करेंगे जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी, कुछ इनका कोर्ट वोट के सीन के थ्रू हुआ शायद, जो भी हुआ ठीक है यार। अभी चैनल का यार रिस्क तो जो है, मेरे को और किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ठीक है अभी, लेकिन शायद कम्युनिटी की वार्निंग ही आई है, स्ट्राइक नहीं आई, और फिर बनाएंगे यार कुछ और नई वीडियो में, इसीलिए यार किसी चीज़ को इतना खींचता नहीं। और भाई मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ रिलीजन बेस पे पॉलिटिकली या कुछ ऐसा बोलूँगा अब से ऑनलाइन। पता है कैरी की वीडियो के बारे में जो रिमूव हो गई, तो प्लीज डीएम में स्पैम करना बंद करो। अगर तुम्हें जानना है मैं क्या सोचता हूँ, सो बेसिक मुझे जो लगता है मास रिपोर्टिंग हुई, मेरे को जनरली लगता है कि किसी ने एक्चुअली मास रिपोर्टिंग करवाई है वीडियो की, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो वॉयलेट करती है पॉलिसी, तो मुझे लगता है वापस आ जाएगी वीडियो। गालियाँ थी बट उसके हिसाब से जो मैक्सिमम स्टेप हो सकता है वो एज रिस्ट्रिक्शन था वीडियो का। जो बुलिंग और हैरेसमेंट वाला एंगल है वो भी अप्लाई नहीं होता वीडियो पे, क्योंकि कैरी की पूरी वीडियो में जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो पब्लिक डोमेन की थी। उसने कहीं पे भी इंटेंशनल हेट नहीं पहुंचाने की कोशिश करी या डायरेक्ट नहीं किया ऑडियंस को कि जाके हरास करो या तंग करो किसी को भी। सो अगर पॉलिसी के हिसाब से चलते तो आई थिंक वीडियो वापस आ जाएगी, तो चिल मारो। गाइज हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, लूट लिया, अब तो बहन जो आगे क्या ही बोले। यार ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगती है, जब झेला नहीं जाता पब्लिक अपने उस पर आ जाते है कि रिमूव करवा रहे। भाई रिमूव करवाने तुम्हारा पूरा चैनल रिमूव करवा दूंगा, पर ऐसा अच्छे थोड़ी लगा किसी की वीडियो रिमूव करवा रहे हो, मेरी वीडियो रिमूव करवा रहे हो। देखते हैं अभी, देखो भाई जो भाई मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, तुमने डिलीट कर दी, भाई मैं क्यों करूँगा डिलीट यार, पहली बात तो ये, और दूसरी बात YouTube पर पता नहीं क्या सिस्टम चल रखा, कम्युनिटी गाइडलाइन, साइबर बुलिंग, मैं देख रहा हूँ अभी, मैटर कुछ होता तो मैं अपडेट करता हूँ। भाई एक चीज़ थी जो आज सही प्रूव होगी, इनकी ना हाय बहुत जल्दी लगती है, समझ गए।